टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज साल का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आज यहाँ पे रथ यात्रा है, तो आज रथ यात्रा का हम लोग भी रथ में जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। नहीं, आज का बहुत बड़ा दिन है, रथ यात्रा, जय जगन्नाथ। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए। यहाँ कैसे क्या होता है, बासंती कॉलोनी के पहले भी हम शेयर किए हैं, और आप लोग बने रहिए और देखिए इस साल का भी किस तरह से होता है। हरे कृष्णा हरे राम जय जगन्नाथ। तो चलिए चलते हैं आगे, और यहाँ पे क्या लंगर वगैरह सब कोई अपने श्रद्धा भक्ति से क्या क्या प्रसाद वगैरह ये करे, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी हम लोग भी प्रसाद सेवन करेंगे। तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं। और यहाँ प्रसाद के रूप में यहाँ पे आप देखिए खीर मिल रहा था ना प्रसाद में, तो यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, तो हम लोग सोचे हम लोग भी ये देखिए खीर ले लेते हैं। और ये खीर बड़ा ही स्वादिष्ट था, और प्रसाद यहाँ पे ना हर जगह रोड के चारों तरफ प्रसाद, कोई शरबत, कोई प्रसाद, कोई खिचड़ी, कोई हलवा पूड़ी, हलवा और ये चना, ये सब मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग देखेंगे। और अभी देखिए थोड़ा सा कम भीड़ है क्योंकि अभी रथ आने में टाइम है, तो हम सोचे थोड़ा सा जा करके पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं ताकि देख लिया जाएगा पूरा ही, और सब चीज़ का हम लोग आनंद ले लेंगे। और किस किस स्टॉल में क्या क्या लगा हुआ, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग चीज़, यहाँ पे आप देखिए हलवा और चना मिल रहा था, है ना, तो बहुत ही सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे जी और यहाँ पे स्टेज बना हुआ था जो कि शाम के समय में यहाँ पे भजन, रंगारंग भजन संगीत यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। बहुत दूर दूर से बहुत सारे सिंगर लोग आने वाले जो कि जगन्नाथ जी के भक्ति में यहाँ पे, है ना, शाम के समय में यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह सब कुछ होगा जगन्नाथ जी के स्वागत में। और अभी रथ आने में टाइम था क्योंकि, तो हम लोग सोचे कि चलो चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे सब कुछ सब जगह का लंगर में का प्रसाद खाना कितना ही अच्छा लगता है, नहीं, और किस किस को लंगर का प्रसाद खाना बहुत पसंद है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे जा करके सब ये कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी का यहाँ पे पोस्टर बड़ा सा लगा के, बैनर लगा करके, और यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया था। और यहाँ पे संगीत भी रात के समय में हुआ था बहुत अच्छा, और यहाँ पे खिचड़ी मिल रहा था, है ना, तो खिचड़ी भी बड़ा स्वादिष्ट, खिचड़ी चना रखा हुआ था यहाँ पे, तो जिसको चाहिए था वो लेके खा रहा था, है ना। तो जगन्नाथ जी के रथ के आने के, रथ के स्वागत में यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे सेवा, अपने अपने हिसाब से सेवा सब कोई कर रहे थे और लंगर बांट रहे थे, भगवान के श्रद्धा और भक्ति में भक्त यहाँ पे लीन होकर के रथ का इंतजार में खड़े थे, और बाकी यहाँ पे लंगर भी खा रहे थे। और तो कुछ ही देर में अब बस आज का, क्योंकि आज है जुलाई का 7 तारीख, और 7 तारीख के दिन यहाँ पे मुहूर्त था शाम के 5:30 बजे के बाद रथ टालने का, है ना, तो थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूरा बादल चारों तरफ, मौसम बड़ा ही बढ़िया हुआ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोले कि यहाँ पे तो लंगर है और बहुत काफ़ी भीड़ था, तो मैं सोची कि चलिए चलते हैं हम लोग आगे, तो मैं बोली चलिए चलते हैं देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है फोटो वगैरह सब कुछ लेने के लिए, और यहाँ ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारी नारी कहाँ पे पीछे रह सकती थी, है ना, तो वो लोग भी यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे शरबत बना करके रखे हुए हैं, और इस शरबत पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। और हम चटोरी सब यहाँ पे भी चले आए और सोचे इसको भी हम लोग क्यों ना स्वाद मार ले, है ना। और यहाँ पे आई तो मैं देखी सोंजू नानू को खोजते खोजते, आज मैं परेशान थी दिन भर, और ये आकर के यहाँ पे सुबह से सेवा में लगी हुई थी, और मैं देखो यहाँ पे उनको आखिरकार ढूंढ ही ली। और जब उनका नज़र मेरे पे आया, है ना, तो देख करके इतना ही खुश हो गई, और देखिए नाचने लगी, बोली एक मिनट रुक, सबसे पहले तेरे को शरबत पिलाती हूँ, है ना। और वो मेरे लिए ले करके फ़ौरन एक गिलास शरबत यहाँ पे मेरे को दे दी, और उसके बाद मैं बोली चलिए चलते आप मेरे साथ, अब चलिए, इतना मुश्किल से ढूंढी हूँ, अब गुम नहीं होने दूंगी। तो उनको लेकर के आई पहले इधर, और वो बोली कि चलिए चलते हैं स्टेज पहले देख लेते हैं भजन संध्या जहाँ होने वाला है वहाँ पे कैसा है। और यहाँ पे इतना ही भीड़ बढ़ गया था मैं क्या ही बताऊँ। अब 5:30 होने ही वाला है, तो आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तन के साथ सब कोई झूम रहे थे, है ना। और अब कुछ ही टाइम के बाद में रथ यहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना, और बहुत ही सुंदर सा स्टेज के पास में यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था। और ये देखिए नारियल जो 40 रुपया मिलता आज तो 20 रुपया में ही मिल रहा है, कमाल ही हो गया। ताको हमें झाड़ू मारी की सफाई करी बात। सांझू नानी भी यहाँ पे मिल गई। बाहर ना। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय गरीब रत्नाकर देखिए। तो बहुत बुरा लग रही। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें खिचड़ी सांसारे बहुत बुरा लगी। जल्दी जल्दी आकर तो खाने। फिर हम लोग एक जगह यहाँ पे आ गए थे क्योंकि यहाँ पे ना रथ अब आने वाला है, तो हम लोग सोचे कि अब एक जगह यहाँ पे आ जाते हैं। और ये लोग शरबत बांट करके यहाँ पे आप देखिए ये लोग आराम कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग सुबह से बहुत ही मेहनत किए थे, ये लोग सुबह से शरबत वगैरह बना करके, और ये रास्ता में खड़े होकर के इतना धूप में, है ना, और इतना उमस वाला गर्मी है, इसमें बांटना बैठ करके बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ प्रणति भावजा थक गई थी और वहाँ पर बैठी हुई थी, और यहाँ सब कोई को मस्ती सूझ रहा था जब तक रथ नहीं आ रहा था, सब कोई लेकर के यहाँ पे आप देखिए सब कोई का ये हो रहा था, है ना, तो भजन के साथ साथ कीर्तन के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है ना। तो यहाँ पे सब कोई हम लोग मस्ती यहाँ पे कर रहे थे, है ना, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था।
तो फाइनली इंतजार का घड़ी खत्म हो गया है और जगन्नाथ मंदिर से अब इस तरफ पूरे बसंती कॉलोनी में जगन्नाथ जी अब प्रस्थान करने वाले हैं ना। तो यहाँ से गुंडीचा मंदिर यानी कि यहाँ पे हमारे शिव मंदिर जो अपने मौसी माँ के घर में आएंगे, तो हम लोग सोचे कि रास्ते में हम लोग मेन जगह पे जाके एक जगह डिवाइडर पे खड़े हो जाते हैं जहाँ से अच्छे से दिखेगा। और ये देखिए पूरा ही मंडली भगवान जी को झूमते नाचते हुए वहाँ उनका वेलकम में ले करके अब आ रहे हैं। तो रथ बस अब रथ वहाँ से चल दिया है और सारा रंग मतलब बच्चे बड़े सब कोई झूमते नाचते हैं ना, भजन कीर्तन वाले सब कोई यहाँ पे एक होकर के आते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी आनंद लीजिए बिल्कुल नेचुरल वॉइस में, जो कि पूजा में ना यहाँ पे रथ यात्रा में बहुत ही अच्छा लगता है और नेचुरल वॉइस की बात ही कुछ अलग है। तो आप वो वाला फील कर पाएंगे जो कि मतलब ये। और यहाँ पे बाबू मिल गया था जो कि वो भी ना है ना सब गाना वाना सुन करके यहाँ पे भजन उजन हो रहा था। देखिए नाचने का पूरा मस्ती के मूड में, वो भी छोटा सा बच्चा भी था। और यहाँ पे हम लोग वहाँ पे चल गए थे और धीरे धीरे बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा था। और संजू रानी ये देखिए अपने आंचल में मेरे सर को भी छुपाने लगी थी है ना, बारिश में भीग रहे थे हम लोग। तो देखिए इसको कहा जाता है मतलब कि अच्छा वाला एक क्या बोलूँ, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता है ना। तो यार ये भाई साहब को देखिए झूमते नाचते हैं ना, ये भी अपने मग्न में मग्न है। तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ओडिसी डांस, जो कि यहाँ पे ओडिसी डांस हो रहा था, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और आज भीड़ इतना ही ज़्यादा था कि मैं क्या ही बताऊँ, गर्मी उतना ही था और बारिश भी साथ में हो रही थी। और बारिश तो मतलब 8-10 दिन से राउरकेला में कितना ही ज़्यादा हो रहा है आप सबको पता है, उसके बावजूद इतना गर्मी हो रहा है। उसके बाद भी आप देखिए जगन्नाथ जी के भक्तों को मतलब कोई रोक नहीं सकता, इतना ही बारिश और इतना ही भीड़ में मतलब इतना ही भीड़ लगा करके सब कोई श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी का वेलकम कर रहे, कोई अपने नृत्य से, कोई अपने गानों से, कोई अपने कीर्तन और भजन से है ना। और ये जो डांसर है ना, इनको हर साल बुलाया जाता है यहाँ रथ यात्रा में, क्योंकि इनका डांस सबको बहुत पसंद आता है और ये सब पूरे शमा को एकदम बहुत सुंदर से माहौल वहाँ पे बन जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे आकर के। अब की बार इस्कन वाला ग्रुप देखने को नहीं मिला, नहीं तो इस्कन वाला ग्रुप भी जो होता है ना बहुत ही अच्छा, वो लोग भी माहौल बनाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, लेकिन जरूर बाहुड़ा के दिन जरूर आएंगे शायद है ना। तो बाहुड़ा के दिन हम लोग देखेंगे इस्कन वाला। ये अगर मैं रही और अगर वीडियो बना पाई तो आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो मेरी पसंद आती है आप लोगों को तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा है ना, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और फाइनली देखिए आप देख सकते हो ये घड़ी आ गया, जो कि रथ यहाँ पे आ गया है बिल्कुल पास में सामने में है ना।
और फाइनली रथ जगन्नाथ जी के मौसी माँ के मंदिर यानी गुंडीचा मंदिर में पहुँच चुका है। उनकी मौसी माँ के घर में ही अब रहेंगे भगवान जी कुछ दिनों के लिए, है ना। और यहाँ पे रमन चमन और कहाँ पे यहाँ पे रखा जाएगा आपको उनका सिंहासन भी दिखा देती हूँ। यहीं पे प्रस्थान करेंगे जगन्नाथ जी अभी बिल्कुल। तो यहाँ पे 9 दिन के लिए जगन्नाथ जी आए हुए हैं और 9 दिन पूरा यहाँ पे रह के उसके बाद में वापस अपने फिर जगन्नाथ टेम्पल में जाएंगे। तो इसी मंदिर में रखा जाएगा और उनका ये वाला जो सिंहासन है ना यहीं पर अपने भाई बहनों के साथ में जगन्नाथ जी रहने वाले हैं। और अभी जगन्नाथ जी को मंदिर में इसी तरह से बाजे गाजे के साथ में ये देखिए यहाँ पे राजा जी है जो कि यहाँ पे लाके पहले गंगा जल जो कि जहाँ पे भगवान जी को रखा जाएगा जिस सिंहासन पे उस सिंहासन को शुद्ध किया जा रहा है। उसके बाद में एक एक करके यहाँ पे ला करके प्रस्थान किया जाएगा, भगवान जी को सिंहासन पे बैठाया जाएगा, है ना। और सबसे पहले रथ पर से उनके बड़े भाई बलभद्र जी को यहाँ पे लाया जाएगा, है ना, मंदिर में लाया जाएगा बिल्कुल आदर संस्कार के साथ में। और सबसे पहले ये वाला स्तंभ आ रहा है, उसके बाद में बलभद्र जी आएंगे। स्तंभ को पहले स्थापित कर दिया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे सिंहासन पे ये देखिए बलभद्र जी आ रहे हैं जो कि जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भाई है। और बाजे गाजे के साथ में ला करके सिंहासन पर इनको विराजमान किया जाएगा, उसके बाद में उनकी बहन सुभद्रा, उसके बाद में जगन्नाथ जी आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और आप सबके एरिया में किस तरह से हुआ है कमेंट में बताइएगा जरूर। हमारे यहाँ तो बड़े ही धूमधाम और शांति हर्षोल्लास के साथ में इस साल का रथ यात्रा यहाँ पे संपन्न होता है, है ना। इस साल का रथ यात्रा बहुत ही अच्छा लगा और इसके बाद में बाहुड़ा होगा, है ना। तो पूरे 9 दिन के बाद में जो बाहुड़ा होगा, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।